दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले 5 रिस्ट स्पिनर्स को बुलाकर नेट्स पर बल्लेबाजी का कड़ा अभ्यास किया। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को उम्मीद है कि इसकी मदद से वे युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के खतरे को टालने में कामयाब हो जाएंगे। टीम इंडिया के रिस्ट स्पिनर्स कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ने 6 मैचों की सीरीज के पहले 2 मुकाबलों में प्रोटियाज बल्लेबाजों को जमकर परेशान किया और आपस में 13 विकेट बांटे। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने मैच से पहले कहा कि टीम का अब तक का प्रदर्शन अस्वीकार्य है। रबाडा ने कहा, दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन अस्वीकार्य है, टीम इंडिया बेहद मजबूत है। उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में मात दी। मुझे पता है कि टीम इंडिया ने अपने सभी मैच घरेलू पिचों पर खेले, लेकिन उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेला। उन्होंने साथ ही कहा, टीम में बार बार बदलाव करने से मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका टीम का वनडे क्रिकेट में प्रदर्शन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से अच्छा नहीं रहा है। हमारी कोशिश जीत हासिल करने की होगी। मेजबान टीम मौजूदा सीरीज में अपने स्टार खिलाड़ियों की चोटों से परेशान है। एबी डिविलियर्स, फाफ डुप्लेसी और क्विंटन डी कॉक चोटिल हैं। डिविलियर्स पहले 3 मैचों के लिए, जबकि प्लेसी और कॉक शेष मुकाबलों से बाहर हैं। टीम इंडिया ने 6 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना रखी है।